आपके पास परगेटो चॉकलेट है? हाँ हाँ पीना मैन, परगोलैक्स कौन सी चाहिए? नहीं जुलाब की गोली। आप बोलते तो इंग्लिश में जुलाब की गोली चाहिए। अरे भाई जग्गो इन्हें जुलाब दे दे। क्यों भैया चोट तो नहीं आई? बम्बा पिए होटल वाले बड़े बदतमीज, खाने का पैसा लेते हैं ऊपर से धक्का देते। दोस्त किस कमबख्त ने पैसे दिए? अच्छा जी तो तुम भी मेरे भाई हो, गले मिल जाओ। दिलीप कुमार और देवानंद से पहले इसी एक्टर ने अपने उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों को दीवाना बनाया था। तो चलिए जानते हैं क्या है याकूब की कहानी। वैसे तो जबलपुर और बॉलीवुड का पुराना नाता है। मध्य प्रदेश के इस शहर से बहुत सारे कलाकार निकले हैं, उसमें से याकूब महबूब खान भी हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 में जबलपुर के एक पठान परिवार में हुआ था। पिताजी पठान महबूब खान लकड़ी का व्यापार करते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हें सहयोग करे, पर याकूब को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी और साथ ही उनका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगता था, पर मशीन से उनका गहरा रिश्ता था। बात अगर अभिनय की हो तो उन्हें एक्टिंग का शौक बचपन से था, इसलिए पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए याकूब ने मात्र 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और लखनऊ आ गए। यहाँ आकर उन्होंने 2 साल तक अलेक्जेंड्रा थिएटरिकल कंपनी में काम किया। इसके बाद 1921 के साल में वे मुंबई आ गए और मैकेनिक ट्रेनिंग का कोर्स किया। इस कोर्स के कारण याकूब को नेवी में जॉब मिली। कहा जाता है कि याकूब को नेवी में हेल्पर या वेटर का काम करना पड़ा था। इस काम के बदौलत उन्हें लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स जैसे शहर देखने का मौका मिला, पर याकूब ने ये काम सिर्फ 1 साल तक किया। 1922 के साल में उन्होंने कोलकाता आकर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में बतौर टूरिस्ट गाइड काम किया। कोलकाता में अगले 2 साल गुजारने के बाद 1924 में वे मुंबई आ गए और थिएटर कंपनी में काम करने लगे। धीरे धीरे उनका नाता प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा और इस तरह से याकूब फिल्म जगत से जुड़ गया। 30वां दशक मुख्य प्रधान फिल्मों का था। डायलॉग्स के बिना अभिनय करना अपने आप में मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए याकूब ने लोगों को देख देख कर एक्टिंग सीखना शुरू किया। याकूब के अभिनय कला को समझने वाले पहले व्यक्ति भालजी पेड़ांडकर थे। आपको बता दूं कि भालजी अपने जमाने के महान फिल्मकार थे, जिन्हें भारतीय फिल्मों का आधुनिक पितामह भी कहा जाता है। 1925 के साल में याकूब के साथ भालजी पेड़ांडकर ने बाजीराव मस्तानी बनाई, जो उस जमाने की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। याकूब की एक्टिंग की शैली ईडो पोलो इस हॉलीवुड एक्टर जैसी थी। यकीनन वे उनके बड़े फैन थे, इसलिए याकूब भी उनकी जैसी टोपी पहना करते थे। बाजीराव मस्तानी के बाद भी याकूब ने ढेर सारी साइलेंट फिल्में की, जिनमें शामिल हैं गुलजार, कमला कुमारी, सरोवर की सुंदरी, चंद्रावली, मिलान दिनार, शकुंतला, अरुणोदय, दाव पेच, नई रोशनी, मीठी छुरी, तूफानी तरुणी। उनका सफर साइड एक्टर से शुरू हुआ और अंत में वे लीड एक्टर के रूप में उभरे। क्योंकि सर पर बाल कम थे, इसलिए याकूब को खलनायक की भूमिका भी मिलती थी। 1931 का जमाना लगने के बाद मूकपट फिल्मों का सूरज डूब गया और बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। इतने बड़े बदलाव के बीच कुछ कलाकारों को इस वजह से काम नहीं मिला, क्योंकि वे डायलॉग बोलने में असफल साबित हुए, पर याकूब बड़े आसानी से डायलॉग बोल लेते थे। इस कारण से 1931 में उनकी पहली बोलती फिल्म रोमांटिक प्रिंस रिलीज हुई, पर इस फिल्म में उन्हें खलनायक का किरदार मिला था, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री जुबैदा ने भी अभिनय किया। उस दौर में जुबैदा के अलावा जद्दन बाई भी मशहूर थी। इनके साथ याकूब ने 1935 की तलाशे हक फिल्म की। 40 का दशक पूरी तरह से याकूब के नाम रहा, क्योंकि 30 से भी अधिक फिल्मों में काम करने के बाद उनकी फीस भी बढ़ गई। उनके करियर ने फिर से ऊंचाइयां तब देखी जब महबूब खान की औरत फिल्म रिलीज हुई। 1940 में रिलीज हुई इस फिल्म में याकूब ने एक दमदार किरदार निभाया। मदर इंडिया इस फिल्म में सुनील दत्त साहब ने जो किरदार निभाया था, वही किरदार याकूब ने औरत में निभाया था। बेटा, किसने हत्याचार किया है तो भगवान से उसका फल देगा। तू अपने हाथ क्यों खून में रंगता है? माँ, अब मुझे खून की कोई परवाह नहीं। ये हाथ सैकड़ों के खून में रंगते रंगते काले हो चुके। माँ, अब तू जा। नहीं बेटा, मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, हद न कर जा। इसके चलते याकूब हिंदी सिनेमा के महान एक्टर बन गए। एक इंटरव्यू में याकूब बताते हैं कि उनके लिए खलनायक की भूमिका निभाना बहुत आसान है, क्योंकि हीरो कितना भी कमजोर हो, अंत में उसे खलनायक को हराना पड़ता ही है। इसके बाद याकूब बताते हैं कि हॉलीवुड में खलनायक को बहुत पसंद किया जाता है, पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है।
इसी इंटरव्यू में याकूब से पूछा गया, क्या वे कॉमेडी किरदार निभाना चाहते हैं? इस पर याकूब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जी जरूर, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ। 1940 के बाद याकूब बतौर कॉमेडियन बड़े पर्दे पर नजर आने लगे थे। कॉमेडी के किरदार में याकूब गोप और आधा के साथ दिखते थे, कभी कभी मोतीलाल का भी साथ मिलता था। इनकी जोड़ी के कारण दर्शक हंस हंस के लोटपोट होते थे। वो अलग बात है कि बाद में इनकी जगह जॉनी वॉकर और महमूद ने ली, पर जॉनी वॉकर और केशव मुखर्जी के राज में भी याकूब की कुछ एक फिल्म रिलीज होती जा रही थी। याकूब के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एकाएकी उन्होंने सोचा कि वे अब डायरेक्टर बनेंगे, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 1949 में आइए इस फिल्म को बनाकर याकूब भारी आर्थिक संकट में आ गए, इसलिए उन्होंने आगे कोई फिल्म नहीं बनाई। उम्र के 50 साल गुजर जाने के बाद भी वे लोगों को हंसाने का काम करते रहे। 50वें दशक में बाजार, पतंगा, सगाई, बकासुर, मेहरबानी, गृहस्थी, मालकिन जैसी फिल्मों के कारण वे हमेशा प्रसिद्धि के झोंके में रहते थे। याकूब ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और उनमें से अधिकतर फिल्में सुपरहिट साबित हुई। दीदार, हलचल, हंगामा, वारिस, अभिमान, अब दिल्ली दूर नहीं, पेइंग गेस्ट, अदालत जैसी फिल्मों के कारण आज भी उनका अभिनय चर्चा का विषय है। याकूब के पर्सनल जीवन पर चर्चा की जाए तो पता चलेगा कि अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी शादी मशहूर एक्ट्रेस खुर्शीद बानो से हुई थी, पर असलियत में ये महज एक अफवाह है। खुर्शीद ने याकूब लाला से शादी की थी जो उनके मैनेजर थे। याकूब की असली पत्नी का नाम लक्ष्मी बेन था, जिनसे उन्हें कोई संतान नहीं थी। याकूब शांत और मनमौजी स्वभाव के थे। जब भी उन्हें समय मिलता वे अपने दोस्तों के साथ इस्लाम जिम खाना में समय बिताते थे। महान अभिनेता महमूद अपने स्ट्रगल के दिनों में बॉम्बे टॉकीज के बाहर याकूब का इंतजार करते थे, क्योंकि याकूब उन्हें यूं ही कुछ पैसे दे देते थे। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि याकूब बड़े कम उम्र में घर छोड़कर क्यों भाग गए? क्योंकि उन्हें एक बड़ी शख्सियत बनना था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए याकूब ने हर संभव प्रयास किए, पर इस सफर में उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया और 1958 के साल में उनका निधन हो गया। उस वक्त वे मात्र 53 साल के थे।